हेलो। तो मैं पिछले वीडियो में थोड़ा लॉन्ग हो गया था वो वीडियो। मैं थोड़ा समरी करके बता देता हूँ आपको, जो कैसे हम जो एनपीटेल एग्जाम है उसमें कैसे पास करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्या है, पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वीकली ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, उसको पूरा 100 में 100 रखने के लिए ट्राई करो। तो अब आपका स्कोर बनेगा, मतलब आपका जो 30 या 25 इंटरनल असेसमेंट स्कोर है उसमें पूरा फुल मार्क्स आएगा, या 30 आउट ऑफ 30 या 25 आउट ऑफ 25। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। तो मैंने मेरा सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट भी दिखाया था, तो मैंने मतलब 30 आउट ऑफ 30 ये करोगे ना, तो आप देख पा रहे हो ना रियल टाइम कैसे मेरे को हेल्प किया 30 आउट ऑफ 30। पहला टिप्स, पहले आपका वीकली असाइनमेंट को पूरा 100 में 100 से आउट ऑफ 100 रखने के लिए ट्राई करो, तब बात बने। और सब्जेक्ट के असाइनमेंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। और आपको आपको जो बताया था कि जो ई टेक्स्ट है वो आपको डाउनलोड करना है, जो ई टेक्स्ट है ये आपको डाउनलोड करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। और एक बात, ये जो असाइनमेंट है आपका, तो सब असाइनमेंट है जो प्रोग्रेस में आता है, ये असाइनमेंट जो भी आप किए होंगे ना, सॉरी प्रोग्रेस में नहीं, प्रोग्रेस में तो मार्क्स आता है, इसमें जो है जो वीकली ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो आप किए होंगे लास्ट में, अगर एग्जाम है 5 6 दिन, तो ये आपको पूरा रट लेना है। ये मतलब 10 to 12 क्वेश्चन आज इट इज उठ के आ जाता है इसमें डायरेक्ट। ये जो क्वेश्चन है मतलब डायरेक्ट उठ के आ जाता है, 10 to 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पूरा। मतलब 12 वीक का है तो 150 क्वेश्चन, आप 150 क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लोगे ना, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएगा पूरा, मतलब पकड़ में जो बोलते हैं ये आपको मिल जाएगा पूरा, रट लोगे पूरा, आज इट इज क्वेश्चन आएगा, कोई भी डाटा चेंज नहीं, पूरा आ जाएगा। ये 150 क्वेश्चन मेरा 15 वीक था, तो 15 into 10 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, ठीक। देन कुछ नहीं, ये और थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और एक बात, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस को भी थोड़ा सा पढ़ लोगे, मतलब ये जो है, ये इसका आंसर क्या है, टीसीपी और आईपी, तो यूडीपी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ये थोड़ा अभी पढ़ लोगे ना, ये रिवर्स में कुछ नहीं आता है। मतलब आप कई बार क्वेश्चन को ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, तो रिवर्स हो जाता है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन आएगा, कई बार देखा है कि ये आंसर पीपुल दिया है, ये रिवर्स कर लेगा कि पीपुल जो है कौन सा नेचर है साइबर स्पेस का, ऐसे करके आ जाएगा। मतलब पीपुल जो है तो ये कौन सा नेचर है साइबर स्पेस का, इसी तरह मतलब रिवर्स कर लेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, ये जो ऑप्शन है आंसर इसको क्वेश्चन बना लेगा। हम बताया था जैसे टीसीपी आईपी का फंक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना थ्रू इंटरनेट, इसी तरह यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी तो जानते होंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे लॉजिकल नेटवर्क का फंक्शन क्या है, लॉजिकल नेटवर्क का फंक्शन क्या है कि ये एक्चुअली रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है नेटवर्क के एलिमेंट में, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा, तो घुमा फिर आगे अगर आप रट लोगे ना ये 150 क्वेश्चन, तो ये आराम से क्लिक हो जाएगा 10 to 12 क्वेश्चन।
एग्जाम 5-6 दिन रहेगा, मतलब एग्जाम आपका मान लो 10 दिन के बाद है, आप 10 दिन पहले ये सब चीज कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होगा। और वीकली असाइनमेंट तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मैं बोल दिया, ठीक है, तो आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छे से पास कर लोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू।